पटना में दूल्हे का अपहरण कर जबरन शादी कराने का एक मामला सामने आया है। इसका शिकार पुकारो स्टील प्लांट में कार्यरत जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार हो गया। विनोद अपनी दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए पटना गया था, लेकिन इस दौरान दबंगों ने अगवा कर उसकी शादी करा दी। विनोद ने जब इसका विरोध किया तो गुंडे ने उसे मारा पीटा। उसने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद विनोद आज भी डर के साए में जी रहा है। उसे डर है कि कहीं दबंग उनकी या उनके परिवार की हत्या ना कर दे। बिहार में जबरन शादी कराने को पकड़वा विवाह कहते हैं। लड़के को मार पीट कर शादी करा दी जाती है। दोस्त की शादी में गया था, फतवा इस्लामपुर शादी में जाना था। 2 की रात को यहाँ से चला था, 3 को पहुँचा। इसी दरमियान वो मुकामा मिलने के लिए बुलाया। 3 को मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं भी चला गया मुकामा मिलने के लिए। वहाँ से वो लोग प्लानिंग किए हुए था, हम समझ नहीं पाए उसको। इसके बाद घर पे ले गए। घर पे पहले से वो लोग बंदूक बंदूक लेके आदमी तैयार था। हम भाग नहीं पाए, फिर हम लोग को पकड़ लिया। हम दो एमए और मेरा एक दोस्त भी था, उसको अलग रूम में बंद कर दिया, मेरे को अलग रूम में बंद कर दिया। और वही मारपीट करने लगे, पूरी तरह से पूरा मारा और बोला कि नहीं, जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं करना पड़ेगा, नहीं तो जान मार देंगे। बंदूक बंदूक लिए हुए थे।